आपके लिए काले कपड़े सही हैं या गलत, आपकी राशि को ये सूट करते हैं, यानी कि आप यदि इस काले कपड़े को पहनते हैं तो आपको ये शुभ परिणाम देते हैं या अशुभ परिणाम देते हैं, सफलता हासिल होती है या असफलता हासिल होती है, इसके बारे में आज आपसे विस्तार से चर्चा करने वाली हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो मैं शुरू करती हूँ। कई बार ऐसे होते हैं ना कि कुछ कलर हमारा फेवरेट होता है, जैसे कि मेरा खुद का जो कलर है वो काला रंग है। मुझे काला रंग बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, लेकिन फिर भी मैं काले रंग को पहनना बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि जो भी काम मैं काले रंग को पहन कर करती हूँ उसमें अक्सर ही असफलता का सामना करना पड़ता है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, लेकिन आप इस बात को अभी तक गौर नहीं फरमा पाए हैं या फिर समझ नहीं पाए हैं। बहुत बार ऐसी होती है कि बात हमारी पूरी तरह से बन जाती है, काम हमारा बिल्कुल मतलब कंप्लीट पे होता है वो, और उसके बाद अक्सर हमारे तक ये न्यूज़ आती है ये काम किसी भी कारण की वजह से जो है ना बिगड़ गया है या वो स्वीकार नहीं किया गया है। अब आप समझ लें कि आपने कितनी मेहनत की, और यदि वो असफल हो गई फिर तो बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि दूसरे का सर फोड़ने का ज़रूरत पड़े तो वो भी फोड़ ही डाले। तो यदि आपके साथ ऐसा होता है, आपको ये महसूस करने की ज़रूरत है, और यदि आप महसूस नहीं कर पाते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ काला रंग किस राशि वाले को खास तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्हें असफलता मिलती है या जीवन में अलग अलग तरह से बहुत ही बड़े बड़े लेवल के संकट का सामना करना पड़ता है, और किस राशि को काले रंग के कपड़े का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए या काली वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनका भाग्य और भी ज़्यादा चमके, उनके भाग्य में हमेशा ही खुशियाँ ही खुशियाँ बरकरार रहे। तो एक काला रंग आपके जीवन को कितना कुछ चेंज कर सकता है आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ही प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल ही पहुँच सके। दोस्तों, अगर प्रकृति हमें रंगों से नहीं भर देती तो हमारा जीवन जो है ना वो बिल्कुल ही बेरंग सा हो जाता। रंगों के बिना जीवन जीने की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। हम लोगों के मन में काले रंग को लेकर बहुत सारी गलत फहमियाँ होती हैं। कुछ लोग इसको बहुत शुभ मानते हैं तो कुछ लोग भयभीत भी रहते हैं। मैंने बहुत लोगों के मुंह से ये कहते हुए सुना है काला रंग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। काला रंग शनि का राहु का कारक होता है और शनि और राहु अच्छे ग्रह नहीं हैं। हम जितना ज़्यादा काले रंग को अपने जीवन में प्रयोग करेंगे उतना ही हमारा जीवन बेरंग हो जाएगा। आज आपको बताना चाहती हूँ ये बात बिल्कुल कोड़ी है, गलत है। काला रंग आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी पहुँचाता है और नुकसान भी कुछ इस कदर होता है कि आपके लिए ये जो है ना मुसीबत बन जाता है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि काला रंग इतना महत्वपूर्ण ही क्यों है। काले रंग को अगर आप सिर्फ रंग समझते हैं तो ये एक बहुत बड़ी भूल होगी। काला रंग को रंग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जहाँ कुछ भी रंग नहीं होता वहाँ सिर्फ काला होता है। इस रंग में इतनी ताकत होती है कि काले रंग में आप दूसरे रंग को मिला दें तो वो भी काला ही बन जाता है। सफ़ेद रंग ही एक ऐसा है जो काले रंग को कुछ हद तक कम कर सकता है। तो काले रंग को वैसे भी तामसी रंग के गुण में गिना जाता है। जहाँ भी अंधकार हो वहाँ काला रंग है, जहाँ कोई रंग नहीं वहाँ काला रंग होता है। पूर्णिमा के बाद आने वाली अमावस्या को भी काला रंग ही कहेंगे। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का द्योतक होता है, यानी कि उसका और एक अच्छा स्रोत होता है। हम जिस भी चीज़ से नफरत करते हैं ना, या जो चीज़ हमें पसंद नहीं आती है उसे भी ज़्यादातर काला ही कहा जाता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है काले रंग को पहले समझना। अब बात करते हैं किस राशि वालों के लिए ये काले रंग शुभ है या अशुभ है। तो दोस्तों, आपके जन्म राशि के अनुसार आपको काले रंग का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं आप अपनी राशि से जान सकते हैं। कृपया आपको इस बात पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जन्म राशि की बात कर रहे हैं, आपको सिर्फ अपने जन्म की राशि से देखना है। जन्म राशि अलग होती है और नाम की राशि बिल्कुल ही अलग होती है, ये तो आप सभी जानते होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। जो भी मेष राशि के व्यक्ति होते हैं उन्हें काले रंग का इस्तेमाल सबसे कम करना चाहिए। कपड़े भी कम पहने काले रंग के तो बहुत ही अच्छा है। मेष राशि वाले काले रंग का प्रयोग अधिक मात्रा में करते हैं तो जीवन में स्ट्रगल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है।
जो भी व्यक्ति वृषभ राशि के हैं, उन्हें काले रंग के कपड़े कभी कभी पहने तो उतना नुकसान नहीं करता है, और अगर ज़्यादा मात्रा में पहनते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो ये रंग जो है ना नुकसान पहुंचाता है, आपको जिद्दी बना सकता है, क्रोधी बना सकता है, साथ ही आपका दिमाग भी ये फिरा सकता है, इतना आपके लिए नुकसानदेह है। कभी कभी इस्तेमाल कर ले, कोई बात नहीं। जिन व्यक्तियों की राशि मिथुन है उन पर काले रंग का प्रभाव मिला जुला होता है, कभी कभी ये अच्छा रिजल्ट देता है और कभी कभी नुकसान भी देता है। अगर आप कहीं लंबी यात्रा पे जा रहे हैं तो काले रंग का प्रयोग तो बिल्कुल ऐसे में ना करें। मिथुन राशि वालों को यात्रा के समय काले रंग का प्रयोग भूल से भी नहीं करना चाहिए। जिन व्यक्तियों की राशि कर्क है उन लोगों को काले रंग का प्रयोग करने से सदैव बचना चाहिए। उनको ये मान कर चलना चाहिए कि ये रंग उनके लिए तो बना ही नहीं है। काला रंग विपरीत रंग होता है, क्योंकि कर्क राशि का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है, और इनके लिए काले रंग का प्रयोग उनके स्वास्थ्य और गृहस्थ जीवन में विपत्ति को बुलाने का निमंत्रण है। यदि आपकी राशि सिंह है तो इन लोगों को ये काला रंग उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं साबित होने वाला। ये रंग सिंह राशि वालों का भी विपरीत रंग है, क्योंकि सिंह राशि जो है वो सूर्य की राशि है और सूर्य एक प्रकाश है। अगर आप काले रंग का प्रयोग ज़्यादा लेते हैं या करते हैं तो आपको जीवन में कभी भी सफलता ये नहीं दिलाता है। दोस्तों, यदि आपकी राशि कन्या है तो ऐसे जातकों को काला रंग बहुत ज़्यादा शुभ और फायदेमंद देने वाला होता है। विशेष रूप से अगर आप कहीं भी नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए जा रहे हों तो उस समय, या फिर कोई मुकदमा लड़ने के लिए जा रहे हों तो काले वस्त्र का उपयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे में आपको उस काम में सफलता मिलने की संभावना जो है ना कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि आपकी राशि तुला है तो काला रंग बहुत ही शुभ है। इसके प्रयोग से धन में वृद्धि होती है, दरिद्रता का नाश होता है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इनको एक सावधानी भी रखनी होती है, अगर ये काले रंग के कपड़े का अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं तो बस एक है जो इनको दिक्कत होने वाली होती है, वो है संतान का सुख इन्हें नहीं मिलता है। बच्चे पैदा करने में भी अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो काले कपड़े का प्रयोग तो बिल्कुल ही शुभ नहीं है। वृश्चिक राशि वाले यदि काले रंग का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो इनको कारोबार में दिक्कतें आती हैं, पारिवारिक समस्याएं हो सकती है, संपत्ति के मामले में भी इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। धनु राशि वाले जातकों को काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इनको काला रंग बिल्कुल ही सूट नहीं करता है। काले रंग का अधिक मात्रा में प्रयोग करने से ज़्यादा कर्जा लेना पड़ सकता है, संपत्ति की भी हानि होती है और साथ ही वाणी में भी विकृति आ जाती है, फिजूल की चिंताएं बढ़ सकती हैं। मकर राशि वालों को काला रंग बहुत ही शुभ होता है। काला रंग विशेषकर मकर राशि वालों के लिए ही बना है। अगर कहते हैं ना किसी के लिए कोई चीज़ बनी है तो काला रंग मकर राशि के लिए बना होता है। हर परिस्थिति में काला रंग मकर राशि के लिए बहुत ही शुभ होता है। एक बात जो खास है वो मकर राशि वाले लोगों को काले रंग को मंगलवार के दिन प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप मंगलवार के दिन काले रंग का प्रयोग करते हैं तो काले रंग की जो भी सकारात्मक शक्ति है वो समाप्त हो जाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। कुंभ राशि वाले जातक यदि काले रंग का प्रयोग करते हैं तो कम मात्रा में करें। ज़्यादा काले रंग का प्रयोग कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कुंभ राशि के लोग काला रंग का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन डार्क ब्लैक की जगह लाइट ब्लैक का उपयोग करें तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। जिन व्यक्तियों की राशि मीन है तो ऐसे लोग काले कपड़े का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो इनको वो जिद्दी बनाता है, क्रोधी बनाता है। कहीं ऐसा भी आपने देखा होगा कि ये काला रंग का उपयोग ज़्यादा मात्रा में करने से मीन राशि वालों का जो काम होता है ना वो एकदम एंड पॉइंट तक, यानी कि काम बनते बनते और बनते बनते बिगड़ जाता है। अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है, बीमारी हो जाता है, या फिर कोई गंभीर बीमारी का डर बना रहता है। अतः मीन राशि वाले को काला रंग तो बिल्कुल सुटेबल नहीं होता है। दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही अंतिम और एक ऐसी जानकारी शेयर करने वाली हूँ। यदि आपके सर में अक्सर ही दर्द रहता है, सर भारी रहता है, डिप्रेशन की बीमारी होती है, लाइफ में सेटलमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, टेंशन बहुत होता है, उन लोगों को काले रंग के कपड़े या फिर कोई और वस्तु काले रंग की जो भी होती है उन्हें इस्तेमाल करने से सदैव बचना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।